ग्वालियर जिले में नगर निगम द्वारा अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई लगातार जारी है। ऐसा ही एक ताजा मामला ग्वालियर के महल रोड का है, जहां नगर निगम के उपायुक्त अतिबल सिंह यादव अपने नगर निगम के 25 से 30 कर्मचारियों को लेकर महल रोड पहुंचे और अवैध रूप से दीवार तोड़कर रास्ता निकालने अवैध कॉलोनी के खिलाफ तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी। वही जब कॉलोनी बनाने वाले राकेश वर्मा ने मौके पर आकर अपने कागज दिखाए तो निगम द्वारा बुलडोजर का पंजा तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया। नहीं, मैं कॉलोनी पहले नक्शा पास होगा उसके बाद कॉलोनी बनेगी। क्या कि है, लो लैंड है, बहुत ज्यादा नीची है और सड़क से नीचा ही है, इसलिए हम इसकी पहले फिलिंग करवा रहे हैं। फिलिंग करने के बाद, नक्शा पास कराने के बाद हम फिर मंजूरी लेंगे, उसके बाद कॉलोनी करेंगे। ऐसा कोई काम करते ही नहीं है, अंकल पुलिया नहीं है, वो एक दीवार है, पुलिया उस तरफ है, दीवार है। वो इसलिए दीवार बनी थी उस समय, विनोद शर्मा जी कमिश्नर थे, कि ये जगह नीचे थी, कोई वहाँ से ट्रैफिक से कोई आए गिर ना पड़े, इसलिए दीवार थी। अब चूंकि वो लेवल में आ रही है, इसलिए हमने कहा वहाँ से भी आवाज आए, इसलिए हमने की थी, अब हम उसको बनवा रहे हैं। इनके डॉक्यूमेंट देखे, इनकी ये पैतृक संपत्ति है इनकी खुद की, और जो इन्होंने पुलिया वगैरह जो तोड़ी थी ये तुरंत ही उसको बनाने के लिए तैयार हो गए हैं, और इनकी लेबर भी वहाँ पहुँचा दी है, और जो अवैध पार्ट भी बना हुआ था उसका उनका तोड़ दिया है, और दोबारा इनको हिदायत दे दी अगर एक ईंट दोबारा लगाई तो अब इनका पूरा क्या नाम, जितना जो मिट्टी वगैरह पड़ी है तो इसमें गड्ढे खोद के शहर में सारे गड्ढे भरवा